नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। बात है सन 1982 की। पहाड़ को एक संगठन की जरूरत थी। संगठन संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ हो। उस वक्त निर्माण हुआ पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर हल्द्वानी का। तब से लेकर आज तक वहां पर हर वर्ष एक कौतिक का आयोजन किया गया, उत्तरायणी कौतिक। लेकिन इस बार उत्तरायणी कौतिक के ऊपर काले बादल छा गए और सभी के मन में एक निराशा भी थी कि क्या इस बार उत्तरायणी कौतिक लगेगा या नहीं लगेगा। पूरा मामला क्या है? मामला ये था कि जब पर्वतीय सांस्कृतिक मंच का निर्माण हुआ तो उसी वक्त उसी के पास एक गोलजू के मंदिर का भी निर्माण हुआ। लेकिन गोलजू के मंदिर के पास इस वर्ष कुछ अराजकता देखने में आई। वहां पर एक ढांचे का अवैध निर्माण करा दिया गया। रातों रात किसी को खबर नहीं हुई। सुबह जब पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के सदस्य वहां पहुंचे, वहां की स्थानीय जनता वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा एक अवैध ढांचे का निर्माण। तो वहां विवाद खड़ा हो गया, आंदोलन बढ़ने लगा, जिसको लेकर प्रशासन वहां पहुंचा और उन्होंने वहां पर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। अब बड़ा सवाल ये होता है कि रिसीवर नियुक्त क्यों किया गया? रिसीवर क्यों नियुक्त किया जाता है? रिसीवर तब नियुक्त किया जाता है जब किसी समिति के सदस्यों के बीच में किसी प्रकार की अनदेखी या किसी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना होती है या कुछ आपसी मतभेद होते हैं। ऐसा तो वहां कुछ था नहीं, शायद कुछ भूल या चूक हो चुकी होगी। उसे देखकर वहां रिसीवर नियुक्त किया गया था SDM मनीष कुमार को, जिसे लेकर जन आंदोलन बढ़ने लगा, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। तत्पश्चात एक महारैली का आयोजन किया गया, महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत में स्थानीय जनता जुड़ी, उस महापंचायत में पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के पदाधिकारी जुड़े और साथ ही जुड़े राजनेता। उन राजनेताओं में एक बड़ा नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार और वर्तमान के विधायक कालाडूंगी क्षेत्र के वंशीधर भगत, जिन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि आपके साथ गलत नहीं होगा और ये जो जमीन है वो पहाड़ की जमीन है, पहाड़ के लोगों की जमीन है और जो भी होगा वो पहाड़ के हित में होगा। तत्पश्चात SDM मनीष कुमार को पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में बुलाया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। उसे देखते हुए वंशीधर भगत ने सबको आश्वासन तो दे ही दिया था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता था कि वो आश्वासन वास्तविकता में बदलेगा या नहीं बदलेगा। और मैं जानू ये पहाड़ियों का रोल बहुत बड़ी, कोई हटा नहीं सकता। लेकिन इस वक्त पर्वतीय समाज के लिए एक अच्छी खबर है। नैनीताल के DM धीराज गर्भियाल ने तत्काल रिसीवर को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिससे पर्वतीय समाज काफी खुश है और एक बार पुनः उत्तरायणी कौतिक मनाने के लिए तैयार है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।